मैं आज इस हाल पर मौजूद हूँ जहाँ चंद दिनों पहले एक शानदार तकरीब की गई थी और वहां पर एक अजम किया गया था कि हैदराबाद शहर के घर घर से कचरा उठाया जाएगा। चले हम आपको दिखाते हैं कि अब इस शहर की सूरत हाल क्या है। ये मेन शाहरा है, हैदराबाद शहर की मशहूर शाहरा है तिलक चाड़ी, जिसको कहा जाता है। तिलक चाड़ी के बीच में, शहर के बीच में ये आप कचरा कुंडी देख रहे हैं। जो किसी भी मुहज्जब शहर में इस किस्म की कचरा कुंडी को कितना मायूब और कितना गलत समझा जाता है, लेकिन हैदराबाद के मेन बाजार में इस कचरा कुंडी को आप देख सकते हैं। ये हैदराबाद की इंतजामिया के काम है। ये हैदराबाद का मशहूर बिजनेस हब जिसको कहा जाता है टावर मार्केट, ये वो इलाका है। आप इसकी सूरत हाल देख सकते हैं। ये कोई कचरा कुंडी नहीं है, बल्कि हैदराबाद शहर के बीच में इलाइट सिनेमा हुआ करता था, उसको कचरा कुंडी बना दिया है हैदराबाद शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए। ये हैदराबाद का फुलेली पुल है, जो बच्चों को आपने भी गुजरते हुए देखा है। ये हैदराबाद है। ये फुलेली के जो स्कूल है, गर्ल्स और बॉयज स्कूल है, उस स्कूल के सामने ये हालत है। आप अंदाजा कर सकते हैं जहां बच्चों ने तालीम हासिल करनी होती है और जहां बच्चों ने सेहतमंद रहना होता है, उस स्कूल के सामने ये हालत है। ये मेरा हैदराबाद शहर है। मोहम्मद सादिक शेख, अंजुमन ताजरान, हैदराबाद। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद, जो कि 40 लाख आबादी पर मोहित है, इसका हम पीछे हाल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सौतेली माँ भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मगर हम क्या कर सकते हैं कि डीसी साहब के पास, डीसी साहब का चार्ज है, एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज है, डीजी एचडीए का चार्ज है, और उसके बावजूद हमारे शहर का ये हाल है। तो हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। आप ये कचरा पूरे हैदराबाद से 5-10 को हमने इंतजामी लेवल पर दरखास्तें दी हुई हैं, वफाकी सूबाई मोती से भी अलग को दरखास्त दी हैं। हमें ऐसा अंजुमन ताजरान हैदराबाद के जिम्मेदार, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो एक आम शहरी जाए कहाँ, बोले किससे, शिकायत किससे करे। ये कचरे का ये हाल है और ये शहर का मरकज तिलक चाड़ी का ये हाल है। हाँ, ये मेरे पीछे गवर्नमेंट मिर्ज़ा कॉलेज बेग हाई सेकेंडरी स्कूल है, जो कि अरसे दराज से कदीमी स्कूल रही। उसके जो आगे कचरा है, ये सदियों से ही नहीं उठता हुआ आ रहा। इसमें कम से कम भी 6 से 7 यूसीओ का ये कचरा आता है यहाँ पर, और उठता नहीं है। ये शहर का केस लड़ने वाले अपनी तकदीर और अपने आप को संवारने में तो कामयाब रहे, लेकिन इस शहर की किस्मत बदस्तूर बस से बदतर होती जा रही है। ना जाने कब इस शहर को कोई मसीहा मिलेगा और इस शहर को संवार सकेगा। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।